अस्सलाम वालेकुम। तो हे गाइस, कैसे हम सब? होप यू आर इन चौकस माहौल। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल एंड प्रीव्यू तो देख लिया होगा, आज की वीडियो हमारी फ्लिप लॉबी स्क्रीन एनिमेशन पर होने लगी है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसको बनाना बहुत ही इजी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो चले बिना किसी चवली के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चला। सबसे पहले आपने ये अलाइन मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप जाएंगे नीचे प्लस आइकन पे। यहाँ पर जो आपकी वीडियो का फॉर्मेट है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ, तो इसको सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ। तो करना। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में लॉबी इमोट ऐड किया हुआ है। तो गाइस, आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने कैरेक्टर की मास्किंग की हुई है। ये जो ऊपर सेकंड लेयर आपको दिख रही है, ये मेरे कैरेक्टर की मास्किंग है। तो गाइस, आपने अपनी वीडियो में जिस पार्ट में मास्किंग ऐड करनी है उसको आपने ऐड कर लेना है। अगर आपको कैरेक्टर मास्किंग नहीं करना आती तो उसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाकर सिंपली वहां से इसको चेकआउट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने अपनी लॉबी वीडियो में जहाँ पर फ्लिप एनिमेशन ऐड करनी है वहां पर आपने सबसे पहले बीट्स ऐड कर लेनी है। बीट्स ऐड करने के लिए आपको ये वाइट लाइन दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में बीट ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइस, अब हम अपनी वीडियो में फ्लिप एनिमेशन ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए आपने जहाँ पर बीट ऐड की होगी आपने उस पर आ जाना है। आने के बाद आपने वहाँ पर अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद जो आपने सेकंड बीट ऐड की होगी आपने वहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपने वहाँ से भी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो गाइस, ये जो हमारा सेंटर का पार्ट होगा इसमें हम लोग फ्लिप एनिमेशन ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपने अपनी मेन वीडियो के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। उसके बाद आपने नीचे थर्ड ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने टू की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। एक की फ्रेम आप स्टार्टिंग पे ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम आपने स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने सेकंड की फ्रेम पर अपनी वीडियो का साइज डिक्रीज कर लेना है। जितना भी आपने अपनी वीडियो को डिक्रीज करना है वो यहाँ पर आपने कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपने अपने स्प्लिट पार्ट के लास्ट में आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पर भी टू की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। एक की फ्रेम आप लास्ट में ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम आपने लास्ट से थोड़ा सा पीछे ऐड कर लेनी है। जो आपने लास्ट में की फ्रेम ऐड की होगी उस की फ्रेम पर आपने अपनी वीडियो को ओरिजिनल पोजिशन पर ले आना है। उसके बाद जो हमने इससे पीछे की फ्रेम ऐड की होगी उस पर आपने स्क्रीन का साइज थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करने के बाद गाइस, आपकी एनिमेशन काफी स्मूथ दिखेगी। इसके बाद इस एनिमेशन को मजीद स्मूथ बनाने के लिए अब हम इसमें ग्राफ ऐड कर लेंगे। अच्छा, आपने आ जाना है अपनी फर्स्ट टू की फ्रेम्स के मिड में। यहाँ पर आपको नीचे लेफ्ट साइड पर ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने उस पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह मैंने ग्राफ को बनाया है आप तभी सेम इसी तरह बना लेना है। बनाने के बाद आपको नीचे थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। तो ये करने के बाद अब आपने लास्ट टू की फ्रेम्स के मिड में आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इस ग्राफ को पेस्ट कर लेना है। तो गाइस, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वीडियो की कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो चुकी है। इसके बाद गाइस, अब हम इस वीडियो में एक इफेक्ट ऐड करेंगे। जो हम इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है फ्लिप लेयर। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, अब हम इसके एंगल में भी टू की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे। एक की फ्रेम आप स्टार्टिंग पे ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम जहाँ पे आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ऐड की थी उसी के ऊपर ही आपने यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसके एंगल को -23 डिग्री कर लेना है। ये करने के बाद गाइस, आपने इसके लास्ट में आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पर भी टू की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। एक की फ्रेम आप लास्ट में ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम आपने लास्ट से थोड़ा सा पीछे ऐड कर लेनी है। जो की फ्रेम हमने लास्ट में ऐड की होगी उसमें आपने इसके एंगल को 0.0 डिग्री कर लेना है। उसके बाद जो हमने लास्ट से पीछे की फ्रेम ऐड की होगी उस की फ्रेम पर आपने इसके एंगल को -28 डिग्री कर लेना है। ये करने के बाद अब हम इन 4 की फ्रेम्स के मिड में ग्राफ एडजस्ट कर लेंगे। आपने सेम उसी तरह आ जाना है अपने फर्स्ट 2 की फ्रेम्स के मिड में। यहाँ पर जो पहले हमने ग्राफ कॉपी किया था वो अब हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपने लास्ट 2 की फ्रेम के मिड में आ जाना है। आने के बाद अब आपने यहाँ पर ग्राफ को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने इस ग्राफ को इन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो ये करने के बाद गाइस, अगर आप अपनी लॉबी स्क्रीन में स्ट्राइप्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए गाइस, आपने सिंपली अपनी वीडियो को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस, मैंने पहले से ही अपने स्ट्राइप्स एफर्ट को कॉपी किया हुआ है, वो यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर लूंगा। तो इसका XML मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस, आपने सिंपली इन एफर्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वीडियो में इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्ट्राइप्स ज्यादा विजिबल नहीं हो रही। इसको
को विजिबल करने के लिए आपने अपनी वीडियो का साइज इंक्रीज कर लेना है। आपने उस वीडियो का साइज इंक्रीज करना है जिस लेयर में आपने स्ट्राइप्स इफेक्ट को पेस्ट किया हुआ है। ठीक है समरिया। इंक्रीज आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म से नहीं करना, इसको इंक्रीज आपने अपने टू फिंगर्स के थ्रू कर लेना है। अगर आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म से अपनी स्क्रीन का साइज इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर हमने पहले से की फ्रेम्स ऐड की हुई है, तो इंक्रीज करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्ट्राइप्स पहले से ज्यादा विजिबल हो चुकी है। तो इसके बाद गाइस अगर आपने अपनी लॉबी स्क्रीन के बैक में ओवरले ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलो भाई, ऐड करने के लिए आप आएंगे नीचे प्लस आइकन पे। यहाँ पर आपने अपनी मीडिया से जिस ओवरले को ऐड करना है उसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस आपने इस ओवरले को ड्रैग करके सबसे लास्ट में ले आना है। लाने के बाद जो आपके ओवरले का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपने स्प्लिट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस हमारी यहाँ पर कंप्लीट फ्लिप लॉबी स्क्रीन एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो ये करने के बाद आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बाकी गाइस यहाँ पर होती है हमारी वीडियो एंड। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो चौकस लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो चौकस लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता ये जो नीचे लाल बटन है इसको आप घुसा मारो या लात मारो, ये रेड से व्हाइट हो जाना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।